ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट करीम। ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, डिटेल्स जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्विटर पर आज सुबह से एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट करीम। अब करीम ने ऐसा क्या किया है कि उसका बायकॉट किया जा रहा है, और ये बायकॉट कौन कर रहे हैं? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और वो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ आया था, तो करीम ने एक ट्वीट कर दी थी कि कैप्टन इज़ रेडी टू टेक यू होम। इसका मतलब है कैप्टन आपको घर ले जाने के लिए तैयार है। अब इसको अगर पॉलिटिकल रंग में देखा जाए तो नून लीग के सपोर्टर्स को बहुत बुरा लगा ये ट्वीट, और पीटीआई के सपोर्टर्स ने बहुत इन्जॉय किया ये ट्वीट। तो नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये किया कि उन्होंने बायकॉट करीम का ट्रेंड चला दिया, और उन्होंने कहा कि करीम की एप्लीकेशन को रेटिंग भी कम दें, ठीक है, और अनइंस्टॉल भी कर दें, जिसकी वजह से करीम को काफ़ी नुकसान भी हुआ, उसकी रेटिंग काफ़ी डाउन हुई प्ले स्टोर पर। जबकि पीटीआई वाले जो है वो करीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ट्रेंड को जो है हम खत्म करेंगे और हम करीम को सपोर्ट करेंगे, उसकी रेटिंग भी अच्छी करेंगे। तो ये था बायकॉट करीम के ट्रेंड के पीछे सारी स्टोरी। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से बायकॉट करीम जो है वो ट्रेंड चल चुका है। और जो न्यूज़ आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।